जो है बॉलीवुड में स्टार किड्स फिलहाल नेपोटिज्म के मार झेल रही हैं, तो वहीं ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल मचनी अभी बाकी है। दरअसल जहां हाल ही में स्टार किड्स के स्ट्रगल को लेकर लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया, तो वहीं स्टार किड्स के बहुत डम बयानों और उनके स्ट्रगल के स्टेटमेंट को लेकर भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। अब आप एक तरफ अनन्या पांडे, सारा अली खान और जानवी कपूर के स्ट्रगल को ही देख लीजिए। भले ही इनके माता पिता इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार में शुमार हों, लेकिन इनके बच्चों की एक्टिंग और इनके स्ट्रगल की कहानी को सुनकर लोगों ने इन स्टार किड्स को खूब ट्रोल किया है। तो वहीं कुछ और स्टार किड्स अब बॉलीवुड में लॉन्च होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जहां नेपोटिज्म की मार झेलते हुए आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म सड़क 2 के ट्रेलर को यूट्यूब पर मोस्ट अनलाइक ट्रेलर बना दिया, तो वहीं यशराज फिल्म्स को लगता है कि भाई भतीजावाद बहस कुछ भी नहीं है और इसी के चलते अब वो इंडस्ट्री में स्टार किड्स को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वेल वो स्टार किड कौन है, साथ ही कब और किस मूवी के साथ लॉन्च किया जाएगा, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों खबरें हैं कि यशराज फिल्म्स स्टार किड आहान पांडे को लॉन्च करने जा रहा है। वेल सिर्फ आहान पांडे ही नहीं बल्कि एक और स्टार किड को यशराज फिल्म्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जी हाँ, पहले स्टार किड है आहान पांडे और दूसरा कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान के बेटे जुनैद खान है। वेल ये बात सभी जानते हैं कि आमिर खान और सलमान खान बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, तो वहीं आमिर खान के घर में ज़्यादातर पेंटिंग्स सलमान खान की बनाई हुई हैं और अब अपनी इसी दोस्ती को निभाते हुए सलमान खान अपने खास दोस्त आमिर खान के बेटे जुनैद खान को बॉलीवुड में लॉन्च करने का मन बना रहे हैं। जो हाँ दोस्तों, जल्दी ही आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वेल ये पहली बार नहीं है कि सलमान खान किसी को बॉलीवुड में लॉन्च करने की बात कर रहे हों। इससे पहले भी सलमान खान अपनी दोस्ती निभाते हुए कई लोगों को बॉलीवुड में लॉन्च कर चुके हैं और इसी के चलते कई बार सलमान खान पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने का आरोप भी लग चुका है। वेल इसके अलावा सलमान खान बॉलीवुड में एक्ट्रेस भाग्यश्री की बेटी अवंतिका दसानी को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने की बात कह चुके हैं। इसके अलावा चंकी पांडे के भतीजे यानी कि आहान पांडे भी बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख की अपकमिंग फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये बनता है, क्या ये स्टार किड्स को लॉन्च करने का सही समय है? जब इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद की बहस अपनी चरम सीमा पर है, लोग नेपोटिज्म को लेकर इतना भड़के हुए हैं, ऐसे में क्या नए स्टार किड्स को लॉन्च करना सही रहेगा? वेल, चंकी पांडे के भतीजे आहान जिनके पास पहले से ही काफी सपोर्ट है और इसी के चलते अब वो जल्दी ही बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकते हैं। इनसाइड सोर्सेस का कहना है कि यशराज फिल्म्स जल्दी ही YRF 50 प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करेगा, जो कि यशराज फिल्म्स के 50 साल पूरे होने के जश्न में किया जाएगा। इस सेलिब्रेशन के दौरान ही यशराज फिल्म्स अपनी पाइपलाइन में अपकमिंग फिल्मों की अनाउंसमेंट भी करेगा। वेल कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान द्वारा फिल्म टाइगर की तीसरी किश्त भी देखने को मिल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि यशराज फिल्म्स शाहरुख की अपकमिंग फिल्म पठान की अनाउंसमेंट भी इसी दौरान करेंगे। साथ ही खबरें हैं कि यशराज फिल्म्स YRF 50 प्रोजेक्ट पर आहान पांडे के डेब्यू की अनाउंसमेंट भी कर देगा। तो दोस्तों देखा आपने हमारी वीडियो में कि किस तरीके से बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आए दिन बॉलीवुड में नए नए स्टार किड्स को लॉन्च करते रहते हैं। वेल, इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और दिलचस्प खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।